यहाँ पे आप इंजॉय करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे लोग। मेरा ख्याल एक पापड़ शापड़ है तो फिश विश नजर आ रही है। बहुत वो है। ओके फाइन, चलते हैं, देखते हैं। तुम अपने बैग को आगे फ्रंट पे रख लो तो कैसा रहेगा? ये अपने हाथ पे रख के आगे बैग को करो, खुद भी आगे बढ़ो। बी केयरफुल। यहाँ से थोड़ी सी तकलीफ होगी निकलने में, तो मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ। ये देखे तो जनाब, फाइनली हम गार्ड से बाहर आ चुके हैं। सर बचा के। तो फिलहाल अभी हम गार्ड से आ चुके हैं वापस, और अब हम जाएंगे वापस कुछ खाना पीना फिर से करते हैं, क्योंकि हम ऊपर जब गए गार के अंदर घुसे तो उसके बाद तो भूख लग रही है। तो फिर हम चलते हैं, ज़रा कुछ खाते हैं और मैं आपको बताऊं कि वापस हम कैसे जा सकते हैं। देखें, ये वो रास्ता है, ये देखें, छोटी सी कश्ती यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये वो कश्ती है कि आप इसके ज़रिए जो है ना फेरी पॉइंट पे जा सकते हैं, जहाँ पे लाइक जहाज़ लाइक बैरी जो समुद्री जहाज़ चलते हैं। तो चूँकि आपको चल के काफ़ी आना पड़ता है इस मकाम पर, तो अगर आप चल के भी जा सकते हैं लेकिन आपको शॉर्टकट चाहिए, आप थक गए हैं, तो मोस्टली लोग इस तरह ही छोटी कश्ती में बैठ के भी जा सकते हैं। इसका भी किराया थोड़ा ही है लेकिन यहाँ पे कैश देना पड़ता है। तो अभी हम बैठते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं। तो फाइनली जनाब हम पहुंच चुके हैं, अब हम यहाँ से उतरेंगे। चुके हैं फेरी पॉइंट, अब जैसे कि हमने कहा था कि हम कुछ खाएंगे पियेंगे, तो दोबारा चलते हैं कुछ खाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें खाने को मिलती हैं। और ये फेरी की लाइन लग रही है मेरा ख्याल है, खाने की लाइन, ये खाने की लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग, मुझे लगता है फेरी की लाइन है क्योंकि फेरी एक जाती है। देख सकते हैं आपके वापस जाने के लिए जो इतनी लंबी लाइन, ओए होए हो, हमें लगता है रात हो जाएगी यहाँ से वापस जाते हुए। यहाँ पे स्ट्रीट फूड में मज़े मज़े के खाने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरा ख्याल एक पापड़ शापड़ है तो फिश विश नज़र आ रही है। हाँ, ये फ्राइड फिश नज़र आ रही है और फिश बॉल पॉइंट है। यहाँ पे ड्राई सी फूड नज़र आ रहे होंगे, ये मेरा ख्याल एग है, इट्स नॉट एग। हमारा मूड हुआ है फिश बॉल खाने का, तो यहाँ पर मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं फिश बॉल के, तो हम चले देखते हैं हमें क्या मिलता है खाने को। वन करी, या एंड देन वन तो जनाब अब हमने लेमन सोडा लिया है, लेमन सोडा कहते हैं वाले उसको, तो हम वो पीते हैं। तो जनाब अब ये एक ऐसी जगह आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे लोग अपने प्यार का इजहार जो अपने महबूब से इस तरह करते हैं, यहाँ से ताले ख़रीद के, ये देख रहे हैं ये ताले यूँ ख़रीद के यहाँ पे उन्होंने ताला लगा दिया, एक तरह से मोहब्बत का इजहार, एक अकीदत भी है। और ये हर तरफ आप देख सकते हैं इसको, ये देखें यहाँ से,
यहाँ पे लगा है, यहाँ पे ये वो शॉप है जहाँ से आप ताला खरीदते हैं या फिर इस तरह एक बोर्ड दिल वाला खरीदते हैं और अपना मैसेज पैगाम लिख के यहाँ पे आप लगा देते हैं, तो इसको लव लॉक कहते हैं, लव लॉक। और आप ये देख सकते हैं इंटीरियर है इसका, मतलब हर तरफ लगा हुआ है, यहाँ पर हर तरफ। गार के बाद हमने कुछ खाया पिया और अब हम चेंग छाओ में ही एक बीच वाले एरिया पे आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये होटल है, आगे पीछे खाने की जगह हैं और ये बीच है, और बीच भी इंतहाई खूबसूरत, और लोग यहाँ पे आप इंजॉय करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे लोग। ये देखें जी, यहाँ पे ऑलरेडी लोग इंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो जज़ीरा यहाँ पे आबादी है, तो ये आबादी है, तो यहाँ पे अगर कोई एमरजेंसी होती है तो एमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करते हैं। और वो एरिया अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जो जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, कोई पेशेंट हो या कोई एमरजेंसी हो तो उस मरीज़ को उठा के वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर सकते हैं। तो बेगम साहिबा ने मेरे लिए ये ख़रीदा, इसको क्या कहते हैं, पोटैटो चिप्स टावर। चेंग छाओ आइलैंड पर हमारा सफ़र जो है अब वो ख़त्म होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की हैं, लेकिन हम सिर्फ चंद जगह चंद मकामात पे जा सकें, और कुछ बातें ये भी है कि अगर आप इस आइलैंड पे आना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रास्ता समुद्री रास्ता है, या फिर आप बाय एयर आ सकते हैं, बाय रोड नहीं आ सकते। तो बस अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें, फिर कभी फिर किसी मौजू या फिर किसी जगह पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।